अभी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए 6 सेंटीमीटर और 15 इंचेस जो है यहाँ पर ब्लोइंग होल से इसका गैप जो है ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद ये वाला जो सेकंड वाला पहले वाला होल से सेकंड वाला होल का जो डिस्टेंस है, सेकंड वाला होल से थर्ड वाला डिस्टेंस है, थर्ड से फोर्थ एवं लास्ट तक जितने भी हैं, इसका इस फ्लूट के लिए जो यूनिक इसका डिस्टेंस है ये इसका डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर आप देख सकते हैं और वहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि बोलने से ये ठीक से आपको नहीं पता चलने वाला है। तो इसका ये जो है इसका लेंथ टोटल जो है अभी दिखा रहा है जितने बढ़िया है, जो लेंथ हमने बोला है पहले इस गार्ड से लास्ट तक एंड तक यही मेजरमेंट, और ये वाला फ्लूटी अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसका माप इस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यहाँ पर और भी तो सारे लिंक है जिससे आप फ्लूट के बारे में बहुत सारे चीज़ को जान सकते हैं और अपने आप फ्लूट को तैयार कर सकते हैं घर में। तो चले होल कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। पहले आपको इसके लिए जो है एक सीजर की ज़रूरत है जो शार्प हो, स्टेनलेस स्टील का अगर होता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि स्टेनलेस स्टील जो है वो ये बैम्बू से बहुत ही अच्छा कट होगा इसके ऊपर, ठीक है। तो इससे काट कीजिए इसके जो यहाँ पर शार्प जिस देख रहे हो आप सपने से बहुत शार्प है ये, ऐसे वाला अगर एक आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो आप ये भी आप खरीद सकते हैं, अपना जो अभी इस वीडियो के अंदर जो आपका लिंक है डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर एक लिंक दिया गया है, ये नाइफ आप खरीद सकते हो वहाँ पर क्लिक करके, ये अमेज़न में मिलता है, ओके। तो ये आप खरीद सकते हैं। तो चले आगे देखते हैं। आप ऐसे इसको घुमाइए एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज इसको घुमाते रहिए, तो इससे आपको ऐसे वाला एक्सेस जो अनाउंट जो पीसेस है वो आपको मिल जाएगा। उसको ऐसे आप घुमा के कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट वन अभी इस अभी जो है यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है ये होल हो चुका है, ये वाला होल हो चुका है। अभी इसके ऊपर ठीक इसका लेंथ में यहाँ पे आइए और यहाँ पे आके फिर से और एक बार सेम चीज़ यहाँ पर करना होगा आपको। पहले तो है आप एक मार्क कर लीजिए इसको, ऐसे ऐसे थोड़ा मार्क कर लीजिए, इससे क्या होगा आपको आसानी होगा इसको ठिकाने में। तो चले ये जो है ऐसे आप पकड़िए इसको, फिर इसे प्रेस कीजिए, उसको घुमाइए ऐसे, हो गया। अभी इसको ऐसे आप देख रहे हैं कि इसमें से आ गया है, जोर ज़्यादा ज़ोर से मत कीजिएगा, इससे ये टूट भी सकता है। थोड़ा धीरे से इसको घुमाइए, एक बार क्लॉकवाइज घुमाइए, एक बार एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाइए, तो इससे ये सारे चीज़ आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको सारे जो फ्लूट का होल्स है ये करना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं वही। मैं तो कोई प्रोफेशनल फ्रूट मेकर नहीं हूँ, ये ऐसे ही आप लोग अगर चाहते हो तो इसके ऐसे बना सकते हैं अपने घर में।
बहुत ही इजी है। तो ले लीजिए, ये जो है ये हो गया, बाकी साड़ी भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा इसके अंदर। और फिर इसको अच्छे से इसको साफ कीजिए और थोड़ा देर माचिस से इसको गर्म करना पड़ेगा, फिर आप धूप में इसको सूखे, ठीक है। फिर से और एक बार आपको कोशिश करना पड़ेगा, ऐसे करते रहिए दो चार दिन, आप कंटिन्यू करेंगे, धीरे धीरे करना पड़ेगा, और उससे आपको लास्ट में जो मिलेगा सूखा हुआ ऐसा एक फ्रूट, सूखा हुआ ऐसा एक चीज़ जिसका ऐसे ही, ये भी मैंने ऐसे ही तैयार किया था। उसके बाद ये जो कलर है, इसको कलर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके बाद वाला जो वीडियो है उसके और डिस्क्रिप्शन में ये दिया गया है। इस वीडियो को टोटली देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद, थैंक यू। फिर से और एक बार नए वीडियो के साथ हाजिर हो जाऊँगा, तब तक के लिए मैं अमित, और आप मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू अगेन।